यार थोड़ा थोड़ा तारे थोड़े नीचे कर लेने यार, कोई नहीं मीडिया को देख के दरवाजे बंद कर अब अनिल भी तो आ गया ना, पुलिस आपके अंडर है ठीक है, तो इसलिए शिकायत आपकी बनती है ना। आप ये बताइए कि यहाँ पे बुलाया जाता है स्पेशली आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मेरी पहली बैठक हुई है और जिसमें मैंने जानने की कोशिश की है कि ये सारा पुलिस डिपार्टमेंट क्या क्या गतिविधियां कर रहा है, कौन कौन से अधिकारी किस किस काम को देख रहे हैं, कौन क्राइम को देख रहा है, कौन लॉ एंड ऑर्डर को देख रहा है, कौन क्राइम अगेंस्ट वुमन को देख रहा है, कौन मॉडर्नाइजेशन को देख रहा है, तो सभी ने अपने अपने विभाग की विस्तार से मुझे जानकारी दी है और मैं जो जानकारी मुझे दी गई है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट प्रदेश में कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए अपने पूरे प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके साथ इसको और बेहतर बनाने के लिए मैंने कुछ सुझाव दिए हैं कि पुलिस को पूरी तरह से इसकी मॉडर्नाइजेशन की जानी चाहिए। हर जिले में वेल इक्विप्ड हमारी यूनिट होनी चाहिए जो सीन ऑफ क्राइम का अत्याधुनिक साइंटिफिक तरीकों से मौके पर पहुंचकर उनका अनुसंधान कर सके। मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा एक सीरियल आया करता था CID, जिस प्रकार का उसमें दिखाया जाता था वैसा थाना मैं हर जिले में चाहता हूँ। उसके लिए मैंने आदेश दे दिए कि संसार के किसी भी कोने से जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसको हासिल किया जाए और हमारी फोर्स को अत्याधुनिक किया जाए ताकि क्राइम का कन्विक्शन रेट जो आज लगभग 50% से नीचे है उसको और अधिक बढ़ाया जा सके। उसी प्रकार से फोरेंसिक लैब, इसने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे लगभग 13,300 की पेंडेंसी थी 18 महीने पहले, जो आज कम होकर 3,000 की पेंडेंसी रह गई है, लेकिन इसको भी हम हर रेंज में हमारे जो फोरेंसिक लैब के मोबाइल फोरेंसिक यूनिट हैं उनको भी
मॉडर्नाइजेशन उसकी की जाए, ऐसा मैंने कहा है। नशे पर, इल्लीगल शराब पर, जुए पर, सट्टे पर, नशे की दवाइयों पर मैंने तुरंत प्रभाव से पुलिस डिपार्टमेंट को प्रहार करने के आदेश दिए हैं। तुरंत प्रभाव से ये सारी स्टेट में मैसेज कन्वे करें कि जहां जहां पर ये है, क्योंकि हमको अपने प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त प्रदेश बनाना है और इसमें इंटेलिजेंस की इनपुट भी ली जाए कि कहां कहां पर कौन कौन लोग कर रहे हैं, उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पकड़ा जाए, जेलों में डाला जाए। जेलों में जगह कम पड़ेगी, जेलें और बना देंगे, लेकिन ऐसे आदमियों को समाज को गंदा करने नहीं देंगे किसी भी हालत में। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के वेलफेयर के लिए भी मैंने एक कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं कि एक कमेटी बनाई जाए जो पुलिस डिपार्टमेंट के वेलफेयर के लिए, उसको अच्छी एनवायरनमेंट मिले। सारा दिन सड़क पर खड़ा रहता है लेकिन कोई रोटी पूछने नहीं आता। मैंने एक बार खुद देखा, कोई क्राइसिस था, आर्मी भी खड़ी थी, पुलिस भी खड़ी थी। लंच के टाइम पर आर्मी की गाड़ी आई, आर्मी वालों को भोजन देकर चली गई, लेकिन पुलिस वालों को सारे दिन किसी ने भोजन नहीं पूछा। तो कहीं पर भी अगर आप डिप्यूट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज किसी भी काम के लिए, उसके भोजन की व्यवस्था भी साथ की जाए। थानों को भी जो सारे टूटे फूटे हैं, जहां जहां पर टूटे फूटे हैं, उनको अपडेट करने के लिए प्रयास किए जाएं, उसका बजट बनाया जाए। और मैंने विश्वास दिलाया है कि मैं सरकार से उसका बजट दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि उनके लिए अच्छे थाने बनाए जा सकें। रेजिडेंस के लिए भी, उसके लिए हुडको से लोन की प्रक्रिया चल रही है। हुडको से लोन लेकर पुलिस कर्मचारियों के लिए जहाँ जहाँ पर, और ये भी हमने कहा है कि शहरों के नज़दीक, ताकि उनके बच्चे शिक्षा भी ग्रहण कर सकें, स्वास्थ्य की सेवाएं भी उठा सकें, जंगल में जाके ना बना दिए जाएं, जैसा पिछली सरकारों में कहीं पर हुआ है कि जंगल में जाके बना दिए गए। ऐसा नहीं, अच्छी जगह पर अगर जगह लेनी भी पड़े तो जगह खरीद कर भी अच्छे स्थान पर उसको बनाया जाए। एक डायल 100 योजना है, डायल 100, उसका सेंट्रलाइज्ड ऑफिस पंचकुला में बन रहा है, जिसके तहत हर थाने में दो नए वाहन, हर थाने में नहीं सर, पूरे हरियाणा में 460 व्हीकल इंट्रोड्यूस होंगे, तो हर थाने में दो व्हीकल ऐड होंगे। हर थाने में दो व्हीकल ऐड होंगे, वो 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ्स डायल 100 को ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए, ताकि कहीं पर भी अगर किसी को कोई आवश्यकता, दिक्कत, कठिनाई आती है तो तुरंत उसके पास पुलिस पहुंच सके। आज पहली बैठक है, थोड़ा समझाया है, और पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेगा। ये एज ए फ्रेंडली पुलिस काम करेगी और हमारा
कोशिश रहेगी कि जो पेंडेंसी है केसेस की, जो पेंडेंसी है जितनी भी है सोल्व करने की, उनको तुरंत उसमें तेजी लाई जाए और सारा स्टाफ जहां पर भी है, जिस भी लेवल पर है, जिस भी लेवल पर वो केसेस पेंडिंग है उनके पास, वो उनको सोल्व करे। और हमारे पास जिस दिन से मैं होम मिनिस्टर बना हूँ, मेरे पास शिकायतों की बाढ़ लग गई है, बाढ़ आ गई है। मेरा ईमेल सारा भर गया है और मेरे घर पर और मेरे दफ्तर पर दरखास्तें देने वालों की लाइन लग गई है। उसके लिए मैंने विभाग को कहा है कि हम हर शिकायतकर्ता को इंसाफ दिलाएंगे, उसके साथ साथ अगर उसमें किसी की ढिलाई हुई है, अगर किसी ने उसमें कोताही बरती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई जानबूझ के किसी के केस को डिले कर रहा है, जैसा मैंने कुछ केसेस में देखा है, तो उसको भी हम करेंगे। हर आदमी को इंसाफ मिले, ये हमारी प्रायोरिटी है। धन्यवाद। हाँ जी, नहीं देखिए, मैंने आपको ये कहा ना कि हम इसको और अधिक मॉडर्नाइज कर रहे हैं ताकि हमारा कन्विक्शन रेट बेहतर हो सके। मैंने पहले कहा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसमें दो इशू सामने आते हैं। नंबर एक, हमारी कॉन्स्टेबलरी जो थाने के अंदर बैठ के ऑपरेट करेगी, आर दे रियली एजुकेटेड इनफ और आर दे रियली कैपेबल इनफ टू डील विद द थिंग्स, बिकॉज़ व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्नाइजेशन देन वी टॉक अबाउट रिलेशन द अदर थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, एंड द सेकंड थिंग इज अबाउट द बिहेवियरल अप्रोच ऑफ द पुलिस एंड आल्सो द इंटेंशन। यू हैव टॉक्ड अबाउट द मैन एंड मशीन। देखिए जैसे देखिए अब जैसे हम मॉडर्नाइज करेंगे, वैसे ही हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी देंगे। उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे उसको करने के लिए। अब चाहे साइबर क्राइम है, अब साइबर क्राइम को आम आदमी तो नहीं समझ सकता, तो साइबर क्राइम को डील करने के लिए भी अभी हमने दो थाने खोले हैं, एक गुड़गांव में है, एक पंचकूला में है। धीरे धीरे हर जिले में हम ये थाने खोलना चाहेंगे और उसके लिए हम स्टाफ को बकायदा ट्रेन करेंगे, बकायदा उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। अगर कहीं बाहर से भी किसी इंस्टीट्यूट से भी हमें ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है तो वो हम दिलवाएंगे। अगर हनीप्रीत मिलना चाहती है, कानून में हर किसी को मिलने की इजाजत है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसमें कहीं ना कहीं सिरसा का जो पुलिस प्रशासन है उसने इस बात में रिपोर्ट जो सौंपी है उसमें ये जताया है कि कहीं ना कहीं ये सिरसा के लिए ठीक नहीं है, व्यवस्था बिगड़ सकती है। नहीं देखिए, मैंने उसको री इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह दिया है और जैसा उच्च अधिकारी उसमें जांच करेंगे, और अगर उसमें कोई अगर उसमें कोई कानून की अड़चन नहीं है तो आम आदमी कोई भी मिल सकता है, हम उसको अलाउ करेंगे। लेकिन फिर साहब बार बार वो अप्लाई भी कर रही है, क्यों उसको रोका क्यों जा रहा है? भाई देखिए, अब अनिल भी जा गया, अब ज्यादा वो ठीक रहेगा सब कुछ। जो आपने पुलिस के दोनों का मिलाप बनाने की बात कही है, कमेटी बनाने की बात कही है पुलिस कर्मचारियों के लिए, तो कब तक ये गठित हो जाएगी और क्या? नहीं वो ऐसा है, जब मैंने अब कह दिया तो समझ लो गठित हो गई। जो जो मैंने आदेश दे दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास दिलाया गया है कि वो सारे काम साथ साथ हो जाएंगे। गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत कब तक मिल पाएंगे? देखिए अब ये हमने क्योंकि पुरानी रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए कहा है, जैसे ही रिपोर्ट रिव्यू होती है और अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो हम उसको अलाउ कर देंगे। एक लंबे समय से मांग है पंजाब के समान वेतन दिए जाने की, उसको लेकर क्या किस तरह की आपकी वो रहेगी? नहीं, यही जो कमेटी बनाई है ये उसको भी विचार करेगी। रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? नहीं वो जल्दी उसको रिपोर्ट आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इतने हफ्तों की बात नहीं है, दिन दो दिन की बात। सर आप पुलिस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, पुलिस सर तो पुलिस को ऑनेस्ट बनाने के लिए क्या स्टेप लेंगे?
बहुत शिकायतें रही है पहले कि कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हो रही जेन्युइन केस में भी, और जो जुरिसडिक्शन थाने का है उसमें भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। देखिए ऐसा है कि जब हम सारा मॉडर्नाइजेशन करेंगे, डिजिटलाइजेशन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी करेंगे, तो अपने आप भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। और उससे सबसे बड़ी बात है, एक नाम है उसको लोग बाबा जी भी कहते हैं, अनिल विज भी कहते हैं, तो उससे ठीक हो जाएगा। विज साहब, एक चीज़ है, एक टाइम बाउंड टाइम फ्रेम, और दूसरा जैसे चंडीगढ़ में ये है कि आप किस केस का क्या स्टेटस है, तो आप घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, तो ये फैसिलिटी बिल्कुल कर सकेंगे। आज भी हमारे यहाँ पर अगर एफआईआर कोई दर्ज होती है तो उसको कोई भी अपने घर में डाउनलोड कर सकता है, उसको उतार सकता है। तो हम उसमें ये व्यवस्था भी करेंगे कि उसको स्टेटस भी पता लगे, उसके लिए सॉफ्टवेयर अगर हमें कोई डेवलप करना पड़ेगा हम करेंगे, ताकि उसको डे बाई डे स्टेटस का भी पता लगता रहे। और इसके साथ साथ सर, जो जिन जो उनकी मांगे थी वेतन आयोग की और इलेक्शन में मुद्दा उठा था कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो उनको क्या सातवां वेतन पंजाब की तरफ से मिलेगा? नहीं देखिए, मैंने कह दिया कमेटी बनाई है, सारा विचार करेंगे। हाँ जी, की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है वो पिछले कुछ सालों से इट इज गैंग रेप। हरियाणा को इंडिया का गैंग रेप कैपिटल भी कहा जाता है। जब आप ओपोजिशन में थे तो सबसे पहले इस बात का खुलासा आपने असेंबली में किया था, एक डेटा मांग के फ्रॉम द गवर्नमेंट कि टोटल कितने रेप्स हो रहे हैं हरियाणा में, और उस टाइम पे ये बात सबसे पहले बाहर आई थी। सो यू आर ऑलरेडी सेंसिटाइज टू द इशू। पिछले पांच साल से जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड रहा है या पुराने मंत्रियों का एटीट्यूड ये रहा है कि ये सोशल प्रॉब्लम है, ये एक क्राइम की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने भी विक्टिम्स हैं उनको जो रेप करते हैं वो नोन लोग होते हैं। नहीं, बिल्कुल परिवर्तन है, मैं उसको क्राइम मानता हूं, और उसके खिलाफ चाहे कोई भी ये करता है तो उसके खिलाफ उसी ढंग से कार्रवाई की जाएगी जैसे एक आम आदमी के खिलाफ की जाती है। जैसे आप लोग भी ऑडिट निरीक्षण करते हैं और हम भी स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, कई बार थानों के अंदर जाते हैं, पुलिस वाले जो है सोते हुए मिलते हैं, तो वो कारण ये है कि नफरी कम है, उसको बढ़ाने के लिए क्या है? देखिए पिछले पांच साल में बहुत ज्यादा भर्ती हुई है, 13,000 की भर्ती हुई है। हमारी एक लिमिटेशन है कि हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें हम 5,000 से ज्यादा को ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, इसलिए 5,000 के बैच करके ही हमें ट्रेनिंग भर्ती करने पड़ते हैं। तो नई भर्ती के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, और जितनी हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे जो शॉर्टेज है उसको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। सर, जैसा आप बता रहे हैं आपका ईमेल भी भर गया, इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, किस नेचर के कंप्लेंट्स हैं और उनसे निपटने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा? नहीं, उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी एक सेल बना हुआ है, और वो कोई भी चाहे सीएम को आती है कंप्लेंट आती है, चाहे कहीं से भी कोई कंप्लेंट आती है, तो वो सेल उसको डील करता है। उसी प्रकार से जो मेरे पास कंप्लेंटें आ रही हैं वो मैं भी उस सेल को भेजूंगा और वो सेल उनको डील करेगा। हाँ जी, नहीं हाले स्टाफ की ड्यूटी लाई है उन्हें प्रिंट करने वास्ते। कई बड़े फैसले लिए गए, एक सबसे पहले विधायकों ने अपना ही वेतनमान बढ़ाने का फैसला लिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद है कि पहले जनता के सरोकार को ज्यादा देखेंगे, लेकिन नहीं, जनता का सरोकार भी देखा है, और मंत्रियों का जो किराया था वो 2011 में फिक्स किया गया था, तो उसके बाद से उसको फिक्स नहीं किया गया था, इसलिए उसको बढ़ाया गया। लेकिन सर मजे की बात यह है कि कांग्रेस हर बात पे विरोध करे, उन्होंने भी वेलकम किया कि मंत्रियों ने जो किया आपने लिए और आने वाले ठीक किया। बीबी बत्रा साहब है रोहतक के एमएलए, वो कह रहे हैं कि इसमें ये ठीक बुराई क्या है। चलो, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मैंने आदेश दिए हैं कि हर थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में ऑटो कहाँ खड़े होंगे जगह आइडेंटिफाई करेगा, रिक्शा कहाँ खड़े होंगे जगह आइडेंटिफाई करेगा, बसेस कहाँ खड़े होंगे जगह आइडेंटिफाई करेगा, और उससे ये ट्रैफिक की समस्या का काफ़ी समाधान होगा। नहीं, ये अभी आज देखिए, इनिशियल मैंने कहा है कि ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ, मैंने अभी कहा है। अभी जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी हमारे पास फोर्स है, जो हम जानते हैं उसके आधार पर सारे हरियाणा में
आप विद इन 24 आवर यू विल सी कि हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन इंटरस्टेट ऑलरेडी एक बॉडी बनी हुई है, हम उनकी भी मदद लेंगे, उनका भी हम सहयोग लेंगे। नहीं, पुरानी गाड़ियों को सारों को बदलने का हमने कह दिया, जल्दी नई परचेज करेंगे। बाजी थैंक यू। जोश इज हाई।